तो नमस्कार दोस्तों, राघव सर के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो सर्वनाम का टॉपिक था उसका सेकंड पार्ट करेंगे, और आप देखेंगे कि हमने उस वीडियो में बात किया था पिछले वीडियो में कि सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। उसमें हमने देखा था, 3 भेद हमने देख लिया था। 2 मिनट के लिए चीजों को रिकॉल करेंगे और देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पहला हमने पढ़ा था कि सर्वनाम की डिफिनेशन देखी थी हमने कि सर्वनाम किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द ही सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और उसके स्थान में जो चीजें प्रयोग की जाती हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। तो हमारा टॉपिक था सर्वनाम। हमने देखा था सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इनमें से हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को देखा था, निश्चयवाचक सर्वनाम को देखा था और अनिश्चयवाचक सर्वनाम को देखा था। देखिए, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसमें क्या होता है कि यह ऐसा सर्वनाम होता है जो बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। आप जानते हैं जो बोलने वाला होता है उसे वक्ता कहते हैं, और जो सुनने वाला होता है उसे श्रोता कहते हैं, और ये क्या होता है, अन्य। ठीक है, इसी वक्ता को हमने उत्तम पुरुष कहा था। हमने बताया था आपको कि जो वक्ता होता है वो अपने आप को हमेशा सुपीरियर दिखाता है और उसे कहा जाता है उत्तम पुरुष। और जो श्रोता होता है सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है, जबकि जो सर्वनाम किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है अन्य पुरुष। ठीक है, और हमने देखा था उत्तम पुरुष में मैं, हम, मेरा, इस तरह चीजें हमने देखा था, और वहीं पे श्रोता के लिए तुम, आप, इस तरह चीजें यूज की गई थी। जब किसी अन्य व्यक्ति के लिए वह, उसका, वे, ये आदि शब्द हमने यूज किया। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा जो था टॉपिक हमारा, उसमें हमने देखा था निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में देखा था कि इसमें शब्द यूज किए जाते थे जो वो थे यह, ये, वह, वे, ये सारे शब्द जो होते थे ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराते थे, और ये तब होते हैं जब इनके तुरंत बाद हमने बताया था कि संज्ञा नहीं आती। जैसे वह मेरी किताब है, अगर इसके तुरंत बाद संज्ञा आ जाती है तो होता था सर्वनामी विशेषण, हमने चर्चा किया था। लेकिन यहां पर चूंकि संज्ञा बाद में है और वह मेरी किताब है, इसमें वह शब्द जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात करें तो हमने देखा था कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें हमने देखा था 2 शब्द मिले थे यहां पे, एक था कोई और दूसरा था कुछ। इन दोनों शब्दों से हमने देखा था कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा। संबंधवाचक सर्वनाम को देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम से मतलब, वाचक से मतलब हम जानते हैं कि इसका अर्थ होता है बताने वाला। तो ऐसा सर्वनाम जो क्या बताएगा, संबंध। देखिए, इसके अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, देखिएगा कि जिस सर्वनाम का प्रयोग
समझिएगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध बताने के लिए किया जाता है। ध्यान देखिएगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध बताने के लिए किया जाए वह सर्वनाम कहलाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। देखिएगा, एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध बताने के लिए, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु, ठीक है। तो एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध बताने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उस सर्वनाम कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिए, जैसे आप ध्यान दीजिए, संबंधवाचक इसमें खासकर देखिए, जैसे कहा जाए जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, देखिए जिसकी उसकी, तो एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पे कुछ वाक्य और देखेंगे, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, ध्यान दीजिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इस वाक्य में भी देखिए तो आपको पता चलेगा कि जैसा और वैसा, ठीक है। देखिए वास्तव में जो संबंधवाचक होता है इसमें हम जानते हैं जो कारक होता है संबंधवाचक का, उसमें आप भी जानते हैं कि का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये जो कारक होते हैं, इसी कारक की जो विभक्ति होती है, चिन्ह होते हैं, ये चिन्ह जो है संबंधवाचक चिन्ह के विभक्तियां होती हैं। और इसमें देखते हैं इन्हीं शब्दों से, इन्हीं अक्षरों से मिलके ये जो बनता है संबंधवाचक जो विभक्ति बनती है, इससे ये शब्द जुड़े होते हैं। आप ध्यान दीजिए, जैसे जिसकी उसकी, ध्यान दीजिएगा, जिसकी उसकी, अब आप ये भी जानते हैं कि जो कारक होते हैं वो जो प्रयोग किए जाते हैं कारक, उनसे संबंध स्थापित यहां पे हो, ठीक है। कारक इसलिए प्रयोग किए जाते हैं ताकि आप वाक्य में जो संज्ञा सर्वनाम होती है उनका एक दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, काके की रारेरी नानेनी, ठीक है, एक संबंध कारक की विभक्तियां हैं, इनसे बनने वाले शब्द को जरा हम अगर देखें, जैसे कोई भी शब्द ले लें, जैसे कोई भी शब्द ले, जैसे अगर मैं के साथ लें तो रा मेरा, मेरे, मेरी, ठीक है। अगर बहुवचन लें तो हमारा,
हमारे हमारी मध्यम पुरुष को क्या देखें तो तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे इस तरह से शब्द हो जाते हैं। अपना अपनी अपने ठीक है, आपका आपके आपकी ठीक। तो यहां पर ये सारे शब्द आपको मिलते हैं। सर्वनाम के शब्द रूप में अभी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इन शब्दों का यूज होता है। जरा से एक लीजिएगा, एक सेंटेंस है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो ध्यान देखिएगा कि बिना विचारे जो करे, देखिए जो करे सो पाछे पछताए, अर्थात देखिएगा इसमें जो है जो सो के बीच संबंध स्थापित किया गया है। ठीक है, यह तुम्हारी पुस्तक है। ठीक है, तो यहां पे तुम्हारा तुम्हारी के बीच, किताब और तुम्हारी के बीच संबंध स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है, एक मिनट डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहले डिफिनेशन देखते हैं। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का क्या मतलब होता है कि जो सर्वनाम प्रश्न पूछे जाने का बोध कराए। ध्यान दीजिएगा, जो सर्वनाम प्रश्न पूछे जाने का बोध कराए, समझिएगा, अर्थात जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो। ठीक है, वो सिंपल सा है, जैसे कहिएगा प्रश्न पूछे जाने का, देखिए इसमें जो होता है वाक्य लिखा है, जैसे वहां किसको जाना है। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए वहां किसको जाना है, आप गए घर और घर में पिताजी से पूछ रहे हैं कि कहीं शादी में अगर किसी को जाना है, पूछ रहे हैं पिताजी से कि वहां किसको जाना है, कि आप जाएंगे, मैं जाऊंगा, छोटा भाई जाएगा, बड़ा भाई जाएगा, तो वहां किसको जाना है। अब देखिए जाएगा कौन, ये भी जानते हैं आप, संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो हो सकता है मोहन जाए, हो सकता है सोहन जाए, तो वहां किसको जाना है। अब देखिए एक शब्द है तुम्हारा क्या नाम है। ध्यान दीजिएगा, वैसे तो यहां पे तुम्हारा शब्द लगा पर संबंध भाषक, लेकिन यहां पर उसने पूछ रहा है, ठीक है, कि तुम्हारा क्या नाम है या आपका क्या नाम है। ठीक है, इसको कह सकते हैं संबंधवाचक, संबंध प्रश्नवाचक। ठीक है, अब देखिए कौन गाना गा रहा है, कौन गाना गा रहा है। अब कौन शब्द क्या है, कौन शब्द तुम्हारा क्या किसको, ये सारे शब्द जो होते हैं ये प्रश्न पूछे जाने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल और लिखिए, तुमने यह धन किससे लिया। ठीक है,
देखिए यहां भी क्या है, यह भी प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है, किससे, वहां कोई व्यक्ति होगा, राम से, मोहन से, ठीक है। अब और एग्जाम्पल देख, देखिए एक सेंटेंस है, तुम क्या करते हो, अब देखिए क्या करते हो, काम की बात पूछ रहा है। अब यहां पे ये भी क्या है, संज्ञा आएगी, कोई चीज संज्ञा ही आएगी यहां पे, ठीक है। ये अगला है निजवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जरा इसकी डिफिनेशन देखते हैं पहले, समझिएगा। निजवाचक मतलब होता है अपने के लिए, ठीक है, समझिएगा, अर्थात अपनापन दर्शाने के लिए। जिस सर्वनाम का प्रयोग अपनापन दर्शाने के लिए किया जाए, ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग अपनापन दर्शाने के लिए, अपनापन, ठीक है, अपनापन, इसको बहुत ध्यान समझिएगा, यही शब्द जो है मेन है। अपनापन अगर दर्शाने के लिए जो शब्द होते हैं, अगर उसको आप समझ गए तो निजवाचक सर्वनाम समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमको कोई व्यक्ति, हमारे छोटा भाई है या बड़ा भाई है, हमको छोड़ने के लिए कहीं जा रहा है, किसी बात को लेकर कभी कभी नाराजगी हो जाती है, तो कहते हैं कि जाने दो, हम अपने आप चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो अपने आप चले जाएंगे, वही शब्द क्या होता है, अपनापन दर्शाने के लिए होता है। अपनापन कहने का मतलब होता है कि जैसे सेंटेंस वो लिखा जाए, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो क्या है, अपने आप, ठीक है, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। यहां पे भी क्या है, अपना निज, ठीक है। अब देखिए कभी कभी देखिए यहां पे कुछ ध्यान देने वाली बात है, जैसे यहां लिखा हुआ है पिताजी आप सो जाइए, मैं अपने आप चला जाऊंगा, यहां देखिए दो आप आया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो शब्द है, ये शब्द वास्तव में परिचय कराने के लिए आया रहता है, और ये जो शब्द है ये अपनापन दर्शाने के लिए दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो जो शब्द अपनापन दर्शाने के लिए, सॉरी, जो शब्द परिचय बताने के लिए, परिचय कराने के लिए प्रयोग किया जाता है, वहां पे
पुरुष वाले सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अब देखिए पिताजी आप सो जाइए, मैं अपने आप चला जाऊंगा। अब यहां अपने आप है ये वाला, ये अपना अपन दर्शाने के लिए यहां भी निज वाले सर्वनाम है, लेकिन पिताजी आप सो जाइए यहां जो था आप, ये था परिचय कराने के लिए था, किसी का परिचय बताने के लिए था, पिताजी के लिए बात हो रही है। ठीक है, देखिए एक सेंटेंस और लेते हैं। जैसे गाड़ी छूटने का समय हो गया है, आप अपना ख्याल, हालांकि शब्द अच्छा लगेगा, ध्यान ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखिए शब्द आया है, गाड़ी छूटने का समय हो गया है, आप अपना ध्यान। अब देखिए यहां पे अपना शब्द आ गया दर्शाने के लिए, ठीक है, अपनापन दर्शाने के लिए, ठीक है, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे कि कभी कभी हम लोग कहीं जाते हैं तो हमारे जो घर के जानवर, पेट जानवर होते हैं, कुत्ता बिल्ली जो होते हैं, वो हमारे पीछे पीछे चले जाते हैं, काफी दूर तक जाते हैं, तो हो सकता है फिर बाद में वापस जब आते हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि यह अपने आप चला जाएगा, अपने आप। ठीक है, तो वहां पे जो अपने आप दर्शाते हैं वो जो होता है वो होगा कि अपनापन दर्शाया जा रहा है, तो अपने आप चली गाय, अपने आप चली जाएगी। ठीक है, मैं काम खुद कर लूंगा। अब देखिए वही चीज है, मैं काम खुद कर लूंगा, तो ध्यान देखिएगा एक और सेंटेंस, देखिए मैं काम खुद कर लूंगा, यहां पे भी क्या है, यहां पे भी खुद के लिए आया है, खुद कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा, संबंधवाचक है। ठीक है, ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम को आपने देखा।